अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन पे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए 10 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिवेलप किए हैं। एवरी टीचर नीड्स टू इम्प्रूव नॉट बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ। हर टीचर को एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टीचर सही तरह से पढ़ा नहीं रहा या उसकी टीचिंग मेथडोलॉजीज अच्छी नहीं है, बट बिकॉज दे कैन बी इवन बेटर, बिकॉज वो उससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उससे भी ज़्यादा एक्सीलेंस उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम लोग वन बाई वन रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड वन है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या होता है? किसी भी टीचर के लिए ज़रूरी है कि जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस पर उसकी फुल कमांड होनी चाहिए। उसको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसकी थ्योरी और हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसको पता होना चाहिए इंग्लिश ग्रामर के बारे में, टेंसेस के बारे में उसको कम्प्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। और उसके अलावा क्या उसको पता होना चाहिए? जितने भी न्यू इमर्जिंग कंसेप्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नई रिसर्च की गई है या कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, अगर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है तो उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके अलावा द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट टू अदर डिसिप्लिन एंड इट्स यूजबिलिटी इन प्रैक्टिकल फील्ड। तो वो कह रहे हैं दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको बच्चों को उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कंप्यूटर पढ़ा रहा है तो बच्चों को उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखाए कि किस तरह से हम लोग इसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में एक तो फुल कमांड होनी चाहिए टीचर को अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, और उसके अलावा उसको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। हमारे पास है स्टैंडर्ड टू ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक टीचर को इतना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक जो स्टूडेंट है वो किस तरह से नॉलेज को गेट करता है, क्योंकि हर स्टूडेंट की लर्निंग पावर डिफरेंट होती है। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ करे एक बच्चों की लर्निंग इन्हेंस करने के लिए। हर स्टूडेंट का माइंडसेट डिफरेंट होता है, तो टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करे। किसी के लिए लेक्चर मेथड यूज़ कर सकता है या किसी के लिए एक्टिविटी मेथड यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए क्लास में डिफरेंट मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज यूज़ करे, उनको मोटिवेट करे स्टडीज़ की तरफ। और इसके अलावा हर स्टूडेंट के साथ इक्वली ट्रीट करे। ये नहीं है किसी को फेवरेटिज्म दे दे और किसी को निगलेक्ट करे। हर टीचर को चाहिए कि हर स्टूडेंट के साथ, तमाम स्टूडेंट के साथ फेयरली ट्रीट करे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड थ्री, नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज सोशल लाइफ स्किल्स। तो इसमें क्या है, एक टीचर को चाहिए कि वो इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसके बारे में बच्चे को बताए, उसके बारे में गाइड करे कुरान की रोशनी में और सुन्नत की रोशनी में। और इसके अलावा एक सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहिए, क्या हमारे अखलाकी अकदार हैं, हमें सच बोलना चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को सिखाए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फोर, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज। हर सब्जेक्ट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं और वेज होते हैं लर्निंग के, तो टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करे, डिफरेंट टीचिंग मेथड चूज़ करे बच्चों को लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टीचर है, फिज़िक्स का टीचर है, वो जस्ट थ्योरी पे ही फोकस करेगा तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा किसी भी चीज़ के बारे में। तो टीचर को चाहिए कि वो थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी करवाए। हाउ टू प्लान इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स, तो वो उसको चाहिए कि जो स्टूडेंट की नीड है उसको भी फुलफिल करने की कोशिश करे। तो इसके लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करे डिफरेंट एरियाज ऑफ सब्जेक्ट के लिए। लाइक दैट, टीचर कंप्यूटर पढ़ा रहा है तो उसको चाहिए कि कंप्यूटर का साथ प्रैक्टिकल करे। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सेट करे, साथ में उनके प्रैक्टिकल्स भी। तो इस तरह से क्या होती है, वो लर्निंग को इन्हेंस कर सकता है। स्ट्रेटजीज में ये भी हो सकता है कि टीचर को पढ़ाने के लिए चार्ट्स यूज़ कर सकता है, पोस्टर यूज़ कर सकता है क्लास में, और इसके अलावा डिफरेंट एबीएड्स भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फाइव, असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होती है बेसिकली?
डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट टू असेस स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंट टाइप के असेसमेंट ले, लाइक दैट वो क्विज ले सकता है, वो टेस्ट ले सकता है, वो बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए डिफरेंट चीज़ें कर सकता है, बच्चों से ओरल भी ले सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, साथ साथ पता चलता रहता है कि बच्चों ने अब तक क्या लर्न किया है। द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू एवेल्यूएट एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, तो रिजल्ट क्या बेस करता है, अगर एक टीचर है उसने एक टॉपिक पढ़ाया है, अगर कोई स्टोरी पढ़ाई है थर्सडे को, दूसरे दिन टीचर ने उसके बारे में एवेल्यूएशन की है, असेसमेंट की है, तो टीचर को इतना आइडिया हो जाएगा कि बच्चों ने कितना लर्न किया है। तो ये हमारे पास असेसमेंट का फ़ायदा होता है। फेयर असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग टू स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज, वो कहते हैं कि जो फेयर असेसमेंट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ फेवरेटिज्म की जाए, किसी की हक तलफी की जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो बच्चे ने लिखा है उसका करेक्टली उसका रिस्पांस देना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, डेफिशिएंसीज भी रिमूव हो जाती है, जितनी भी हमारे पास डेफिशिएंसीज होती हैं अब उसका अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, कि इसको लर्निंग को मज़ीद भी इन्हेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हाउ लर्निंग टेक प्लेस इन क्लासरूम, कि क्लासरूम में लर्निंग किस तरह से हो रही है, टीचर किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है। क्योंकि जो ये जो टीचिंग एनवायरनमेंट है, ये लर्निंग एनवायरनमेंट है, ये बच्चों के माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हाउ क्लास रूम पार्टिसिपेशन सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, कि जो हमारे पास क्लासरूम पार्टिसिपेशन है, जब टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो बच्चे एक्टिव हैं, कुछ बच्चे सोए हुए तो नहीं हैं, टीचर को ये सब पता होना चाहिए, उसको बच्चों को एक्टिव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए। तो लर्निंग एनवायरनमेंट को जो क्या होता है, बेनिफिशियल बनाना चाहिए, उसको ज़्यादा अच्छे करने के लिए टीचर को डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा सो रहा है तो टीचर को चाहिए, अगर कोई सो जाता है तो टीचर को चाहिए कि उसको एंगेज रखने के लिए उससे डिफरेंट कोचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से लर्निंग जो होती है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड 7 है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये क्या होती है, हमारे पास टीचर को चाहिए कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल नॉन वर्बल रिटन कम्युनिकेशन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बच्चों की वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल के बच्चों को बोलने का तरीका सिखाए। कुछ बच्चे होते हैं उनका आंसर अच्छा नहीं होता, टीचर को चाहिए कि उनको लर्निंग उनको बताए कि किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग क्लास के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, किस तरह से आप लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन टीचर की भी अच्छी होनी चाहिए, टीचर को भी अपना जो होता है अपना टॉपिक, अपना लेक्चर, अपना टॉकिंग स्टाइल इस कदर अच्छा होना चाहिए कि बच्चे को खुद ही मतलब अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, स्टूडेंट टीचर की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह से हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स। टीचर को चाहिए कि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे, अगर कोई बच्चे कंप्यूटर के नहीं है लेकिन फिर भी उसको डिफरेंट टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बच्चों को बताइए कि किस तरह से वो नॉलेज को गेट कर सकते हैं, किस तरह से वो गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो गूगल यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। हाउ टू यूज़ अवेलेबल डिवाइसिस, टेक्निकल टूल्स, कैमराज, फोन्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड 8, कलेबोरेशन एंड पार्टनरशिप। तो हमारे पास ये कलेबोरेशन एंड पार्टनरशिप क्या होता है, टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को टीचिंग और लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए कलेबोरेट करें बच्चों के साथ, डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ हो सकती है। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों का जब क्लास में हो तो बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, अगर उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो पेरेंट्स को टीचर स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करे, पॉजिटिवली बताए कि आपके बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, तो हर चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के हवाले से बताए। तो ये हमारे पास हो गया कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड 9, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डिवेलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक टीचर को क्या चाहिए, अपने में विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने स्किल्स में, अपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज में, अपने ड्रेसिंग में, हर चीज़ में अपडेशन होनी चाहिए। द डिमांड्स ऑफ अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ एजुकेशन रिसर्च कैन बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। टीचर को चाहिए कि लेटेस्ट मेथड्स ऑफ यूज़ करें लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए,
हाउ टू डिवेल्प एंड मेंटेन अ पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, तो टीचर को चाहिए कि अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो उसका पता होना चाहिए कि वो किस तरह से डिवेल्प कर सकता है, तो डिफरेंट टेक्निक्स उसको यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड 10, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड फॉरन लैंग्वेज। तो जो भी टीचर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, जो भी टीचर है कंप्यूटर का, उसको इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज आनी चाहिए, स्टेटस ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश अगर एक टीचर को आती है ना, तो वो क्लास में यूज़ करे। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को पता चलता है कि वो किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज टू इन्हेंस लर्निंग इन इंग्लिश एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज, डिफ़िकल्टीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टार्टिंग में ये होता है कि स्टूडेंट को बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो टीचर को चाहिए कि वो सिंपल टेंसेस यूज़ करे, सिंपल सेंटेंस यूज़ करे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इस तरह से ये होगा कि बच्चों में भी ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे 10 नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ज़रा से भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।